हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अनबॉक्सर। और आज हम आपके लिए लेके आई एक डिफॉर्मेट रोबोट कार जो रिमोट कंट्रोल वाला, और ये हम बाय किया है अमेजोन से और XZS की कंपनी की तरफ से है। तो चलिए दोस्तों, ये रिमोट कार का आज हम करेंगे जबरदस्त एक टेस्टिंग। और ये रोबोट कार बहुत ही पॉपुलर है, तो दोस्तों देखते हैं आज ये कार कैसे काम करता है। तो इसको देखने से पहले प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उससे आगे जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करिए। सो ऐसे जब भी कोई हम वीडियो डालेंगे अनबॉक्सिंग का, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये रोबोट कार का अनबॉक्सिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो डिफॉर्मेट, ये जो हम रिमोट कंट्रोल, ये रोबोट वाला जो हम टॉयज खरीदा है, तो आज हम इसका करेंगे अनबॉक्सिंग। तो उसका करने से पहले थोड़ा सा फीचर्स आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये टेली कंट्रोल ऑपरेशन है और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप वन स्टेप टू, मतलब कुछ फंक्शनलिटी है। ये हम जब टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल है। और इससे पीछे देखिए, इसका और भी कुछ कलर ऑप्शन है, ये चारों कलर में आपको मिल जाता है। लेकिन हम जब बाय किया था तो वहाँ पे मुझे एक ही कलर मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बैटरी फंक्शनलिटी, और इसमें देखिए जो रिमोट का फंक्शन है उसका कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका भी हम टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों अभी ये टॉयज का हम करते हैं अभी अनबॉक्सिंग, और देखते हैं ये टॉयज अभी क्या काम करता है, उसका टेस्टिंग भी हम करेंगे। तो पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और इसका करने से पहले मैं आपको फिर बोलूंगा कि जो हमारा चैनल नया देख रहा है, प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कोई भी टॉयज होगा तो उसका अनबॉक्सिंग हम डालते हैं इसका वीडियो में इस चैनल में। और वो आपको देखना है तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे आगे जो बेल बटन है उसको प्रेस करिए। सो ऐसे इंटरेस्टिंग कभी वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉयज हमको मिला है, और ये टॉयज के अंदर देखने में तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कलरफुल है। और इसका जो मेटेरियल्स है तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, इतना अच्छा नहीं है। और इसमें देखिए पीछे इसका कुछ व्हील्स है, मेरे ख्याल से ये जो व्हील्स है इसमें आपको रिमोट से आपको, मतलब ये आपका जो लेफ्ट राइट जो मतलब फोर्थ चैनल ये नहीं है, ये टू चैनल है, क्योंकि फोर्थ चैनल होता तो यहाँ पे ये एक्चुअली व्हील नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मतलब जो चैनल का यहाँ पे फोर्थ चैनल का एक यहाँ पे एक मैकेनिज्म रहती है वो भी नहीं है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक पीछे से एक यहाँ पे एंटेना है, ये रिमोट का एंटेना है। और हम देख लेते हैं रिमोट क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिमोट का क्वालिटी ठीक ठाक ही है, और ये बस वेट भी है इसका, और यहाँ पे इसका एंटेना भी है। तो इसमें ओनली टू दो वहाँ पे स्विच है और ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसमें आपको पहले ही बोला कि ये टू चैनल है कि फोर चैनल नहीं है। तो दोस्तों ये अभी देखते हैं कि इसके अंदर आपको बैटरी कहाँ डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटरी डालने का जगह है, यहाँ पे तीन बैटरी हम इसमें डालेंगे। और इसमें डालने से पहले हम इसके अंदर इसका ये सामने एक स्विच है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सामने यहाँ पे एक यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ये रोबोट में ये हो जाएगा, मतलब ये देखिए ये रोबोट हो गया। तो रोबोट अभी यहाँ पे हम ऐसे इसको चलाएंगे तो ये चलेगा, लेकिन आपको ये रिमोट भी से ही हम तो टेस्टिंग करेंगे। तो आपको दिखाने के लिए इसको हमने किया। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे यहाँ से ऊपर से इसको पुश करेंगे तो ये फिर से ही कार बन जाएगा। तो ये था आज का ये रोबोट कार। तो इसका हम अभी करेंगे टेस्टिंग, और थोड़ा सा बड़ा जगह लगेगा कि ये टेबल में नहीं होगा, तो फिर भी हम यहाँ पे बैटरी लगने के बाद इसके देखते टेस्टिंग करने के बाद ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे तीन हम यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरी लिया है। तो आपके पास रिचार्जेबल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी पेंसिल बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये बैटरी अभी यहाँ पे लगा दिया, और इसको हम कर देते हैं अभी इसको पीछे से लॉक। तो दोस्तों देखिए ये अभी हो गया, और इसके इसका यहाँ पे एक देखिए कि ऑन ऑफ का स्विच है। तो दोस्तों अभी इसको ऑन करते तो देखिए इसके अंदर एलईडी लाइट जलना शुरू हो गया, मतलब अभी ये काम करेगा। तो दोस्तों अभी ये जो बैटरी आपका रिमोट है इसके अंदर भी हमको बैटरी डालना है, तो चलिए इसके अंदर भी हम बैटरी डाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम दो पेंसिल बैटरी लिया है, और इसमें भी हमको रिमोट के अंदर देना है। तो यहाँ पे हम दे दिया, और इसको हम कर देते हैं फिक्स। तो
तो दोस्तों देखिए अभी ये बैटरी हम डाल दिया और इसको हम देखिए आगे पीछे कर रहे, तो ये गाड़ी अभी चलने लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी देखिए, ये अभी ये कार ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके अंदर तो दोस्तों देख सकते हैं कि कार अभी चलने लगा है, लेकिन इसको अभी चलाने के लिए थोड़ा बड़ा जगह लगेगा और बाद में वहां पे जाके टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई इसका फंक्शन नहीं है कि ये जो इसका यहाँ पे जो रोबोट है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो दोस्तों इसको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। और देखते हैं आगे जाके कुछ कोई जगह पे ये मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पे देखते देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सामने जाके कहाँ जगह पे टक्कर खाएगा तो ये ऑटोमेटिकली रोबोट में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऐसे ये कैसे चेंज हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों अभी इसको हम जाके थोड़ा फ्लैट जगह में बड़ा जगह में हम टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कार्ड हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया, टेस्टिंग करके दिखाया, तो मुझे ये तो कार्ड इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका फंक्शनलिटी इतना अच्छा नहीं है और इसमें यूनिक कुछ चीज भी नहीं है। तो दोस्तों ये कार्ड का क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है और इसका जो मतलब चैनल भी 4 चैनल नहीं है। तो दोस्तों इसी हिसाब से इसका प्राइस है, अमेजोन से जब बाय किया था 890 रुपीज था, ये बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे तो ये कार्ड अच्छा नहीं लगा। तो फिर भी आपको बाय करना है तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कोई भी कार का वीडियो हम डालते रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर एक को लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, जय हिंद।